अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी अपने बोटिम अकाउंट के डीपी को या फिर प्रोफाइल पिक्चर को रिमूव करना है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। पहले ही मैं आपको बता दूं कि वीडियो शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए डीपी रिमूव से रिलेटेड या फिर प्रोफाइल पिक रिमूव से रिलेटेड। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कैमरा एप्लीकेशन ओपन कीजिए। जी हाँ, आप उसे ओपन कीजिए। कैमरा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आप क्या कीजिए, एक प्रोफाइल पिक खींच लीजिए। प्रोफाइल पिक कैसा होना चाहिए, एकदम पूरा ब्लैंक होना चाहिए या फिर पूरा वाइट होना चाहिए, आप इस तरीके का ले लीजिए। या फिर आप क्या कीजिए, गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिए ब्लैंक पिक। जी हाँ, जैसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक ब्लैंक पिक्चर जो खींच लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे शूट कर लिया एक ब्लैंक पिक, यानी ब्लैक पिक जो है मैंने यहाँ पे क्या किया, खींच लिया, शूट कर लिया। अब आपको करना क्या है, आपको बोटिम एप्लीकेशन ओपन करना है। ये दूसरा काम है, बोटिम एप्लीकेशन ओपन करना। जैसे आप बोटिम एप्लीकेशन ओपन करते हैं, बोटिम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको नजर आएगा यहाँ पे मी का ऑप्शन। सिंपली आप मी के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका प्रोफाइल नजर आ जाएगा। सिंपली आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आकर के जब आप प्रोफाइल फोटो है इसके ऊपर में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन मिलता है, गैलरी एंड कैमरा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ऑफिशियली यानी बोटिम के ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आप अपने बोटिम अकाउंट के प्रोफाइल को रिमूव कर सकते हैं या फिर डीपी को रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा अल्टरनेट इसका है, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोफाइल पिक को चेंज कर सकते हैं। और किससे चेंज कर सकते हैं, जैसे जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि एक ब्लैंक पिक्चर खींच लीजिए, यानी ब्लैक पिक्चर या फिर वाइट पिक्चर खींच लीजिए जहां पे आपका डीपी नज़र यानी आपका फोटो नज़र नहीं आ रहा हो। वो खींचने के बाद में सिंपली आप क्या कीजिए, आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर लीजिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑल फोटो में आता हूँ, यहाँ से जो ब्लैंक फोटो है मैंने उसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा प्रोफाइल फोटो जो है वो रिमूव हो जाएगा, और दूसरी बात है कि यहाँ पे आपका सिर्फ ब्लैंक फोटो आ जाएगा। ब्लैंक फोटो आ गया इसका मतलब आपका एक तरीके से प्रोफाइल फोटो जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लेकर के इसको समझ करके चल सकते हैं। ये एक अल्टरनेटिव तरीका है, लेकिन ऑफिशियली अभी बोटिम ने लॉन्च नहीं किया, ये फीचर अभी नहीं लाया है कि आप डीपी को रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने से बेहतर है कि अगर आपको नहीं प्रोफाइल पिक्चर लगाना है तो आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर दीजिए किसी ब्लैंक पिक्चर से, जिससे क्या होगा कि आपकी आइडेंटिटी छुपी की छुपी रह जाएगी और आप इसको यूज़ भी कर पाइएगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको अब कोई भी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा पोस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे आप अपने बोटिम प्रोफाइल के डीपी को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियली कोई लॉन्च नहीं कर रखा है बोटिम वालों ने, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा परेशान मत होइए और आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लीजिए कि जो अभी मैंने तरीका बताया कि आप अपने डीपी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर लीजिए ब्लैंक से। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी आइडेंटिटी छुपी हुई रहेगी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए और आप अपना भी ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।